जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। देखिए, रहस्यमयी दुनिया में कई प्रकार के ग्रंथ लिखे गए हैं। ऐसे ही ग्रंथों में एक ग्रंथ है नीलावंती ग्रंथ। कहते हैं कि ये एक श्रापित ग्रंथ है और इसी वजह से दुनिया के कई देशों में, लगभग सभी देशों में इसे बैन कर दिया गया है। हालांकि नीलावंती ग्रंथ जो है वो किसी और भाषा में लिखा हुआ है, जिसे डिकोड करके इसकी कुछ प्रतियां छापी भी गई थी, लेकिन ये प्रतियां बहुत जल्दी ही अदृश्य हो गई, गायब हो गई और आज की तारीख में मूल प्रति के साथ में जो डिकोड की गई प्रतियां हैं वो कहाँ हैं किसी को भी पता नहीं है। आज इस वीडियो में हम आपको नीलावंती ग्रंथ, जो कि एक श्रापित ग्रंथ है, इसकी कहानी शॉर्ट में, संक्षेप में बताने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, नीलावंती ग्रंथ के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इसे लालचवश पढ़ने की कोशिश करता है तो या तो उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर वो पागल हो जाता है, क्योंकि ये एक श्रापित यक्षिणी के द्वारा लिखा गया था। चलिए इस ग्रंथ के पीछे की कहानी को हम समझते हैं। बहुत पहले, बहुत समय पहले की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव में एक आदमी था। उसकी एक पत्नी थी और एक छोटी सी बच्ची थी। वो बच्ची जब 5 वर्ष की हुई तो अचानक उसके माता की, उसकी माँ की मृत्यु हो गई। इस बच्ची का नाम ही नीलावंती था। नीलावंती की माँ की मृत्यु के पश्चात नीलावंती के पिता ने उस गांव को छोड़ दिया और नीलावंती को लेकर उसे दूसरे गांव में चले गए। दोस्तों, नीलावंती के पिताजी को आयुर्वेद का बहुत अच्छा ज्ञान था। नीलावंती भी अपने पिता के साथ में आयुर्वेद का ज्ञान लिया करती थी, लेकिन नीलावंती के अंदर एक कुछ अलग खासियत थी। वो बच्ची पेड़ पौधों से, जानवरों से, पशु पक्षियों से सबसे बातें किया करती थी, वो सबकी भाषा समझती थी। यही नहीं, नीलावंती के सपनों में शैतान आया करते थे और नीलावंती को जमीन में गड़े हुए धन और दौलत के बारे में वो जानकारी दिया करते थे। लेकिन नीलावंती के अंदर उसके पिताजी के अच्छे संस्कार थे और इसीलिए वह सब कुछ जानते हुए भी धन दौलत जमीन के नीचे से खोद कर नहीं निकालती थी। नीलावंती को पेड़ पौधे और शैतान जो भी मंत्र बताते थे, नीलावंती उन मंत्रों को पीपल के बने हुए पत्तों पर, पीपल से बने हुए पत्तों की एक किताब पर लिख लिया करती थी। समय बीतता चला गया और नीलावंती 20-22 वर्ष की हो गई। जब नीलावंती 20-22 वर्ष की हो गई तो जो भूत प्रेत नीलावंती के सपनों में आया करते थे, अब वो नीलावंती के सामने हकीकत में आने लगे। कुछ समय बाद नीलावंती को पता चला कि वो एक श्रापित यक्षिणी है। भूत प्रेतों ने उसे बताया कि वो असाधारण है, साधारण मनुष्य नहीं है, वो एक श्रापित यक्षिणी है जो कि एक श्राप की वजह से धरती पर आई है और अब इस दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रही है। नीलावंती को जब पता चला कि वो एक यक्षिणी है तो वो अपनी दुनिया में जाना चाहती थी। एक दिन उसने ये बात अपने पिताजी को बताई। उसने अपने पिता से कहा कि ऐसी बात है कि मैं असाधारण हूँ, साधारण मनुष्य नहीं हूँ, मैं एक यक्षिणी हूँ जो किसी श्राप के कारण आपके यहाँ जन्म लिया है मैंने, अब मैं अपनी दुनिया में जाना चाहती हूँ। जब नीलावंती ये सारी बात अपने पिताजी को बताती है तब उसके पिताजी उससे कहते हैं कि बेटी, यदि तू इस दुनिया की नहीं है और किसी श्राप के कारण तू इस दुनिया में फंसी हुई है तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं, तो तू अपनी स्वेच्छा से यहाँ से जा सकती है। और फिर नीलावंती उस गांव को छोड़कर जाने लगी। नीलावंती ने वो गाँव छोड़ दिया और एक नए सफर पर चल निकली। रास्ते में उसे एक व्यापारी मिला। अतः नीलावंती उस व्यापारी से दूसरे गांव में जाने के लिए कहती है, क्योंकि नीलावंती को एक अच्छी आत्मा ने बताया था कि यहां से 35 मील की दूरी पर तुम्हें एक दूसरा गांव मिलेगा और उस गांव में तुम्हें एक बरगद का पेड़ मिलेगा, उसी बरगद के पेड़ के पास से तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिलेगा। इसके अलावा तुम्हें अपने रक्त के साथ साथ पशु पक्षियों की बलि भी देनी होगी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए नीलावंती उस दूसरे गांव में जाना चाहती थी। उसने उस व्यापारी से कहा कि वो उस गांव में जाना चाहती है, क्या तुम मुझे उस गांव तक छोड़ दोगे? नीलावंती बेहद खूबसूरत थी। वो व्यापारी
नीलावंती को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें उस गांव में छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। नीलावंती ने व्यापारी के सामने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। व्यापारी ने कहा, क्या? नीलावंती ने कहा कि मेरी एक शर्त है कि रात के समय मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, और हाँ, मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, इसके बारे में तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे। व्यापारी ने नीलावंती की शर्त को मान लिया। व्यापारी ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। और उसके बाद में वह व्यापारी नीलावंती को अपनी बैलगाड़ी में बिठाकर उस दूसरे गांव में ले गया। शर्त के अनुसार नीलावंती ने उस व्यापारी से विवाह कर लिया। रात का समय नीलावंती प्रतिदिन घर से निकलती बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर तंत्र मंत्र किया करती थी। वहां वो अपना रक्त और पशु की पक्षियों की बलि भी दिया करती थी। एक दिन की बात है, एक रात के समय जब नीलावंती तंत्र मंत्र उस बरगद के पेड़ के नीचे कर रही थी, उसी समय उस गांव के कुछ लोगों ने नीलावंती को पशु पक्षियों की बलि देते हुए देख लिया और वो उस व्यापारी के पास जाकर नीलावंती से जुड़ी सारी घटना उन्हें बताते। जब अगली रात को नीलावंती अपने समय के अनुसार रात्रि में तंत्र साधना के लिए निकलती है, तो उसके पीछे पीछे वो व्यापारी भी चला जाता है और नीलावंती को तंत्र साधना करते हुए देख लेता है। अगले दिन नीलावंती के स्वप्न में शैतान आता है और उसे बताता है कि नीलावंती, कल जब तुम तंत्र साधना करने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे जाओगी, उसी समय बरगद के पेड़ के बगल में जो नदी बहती है, उस नदी में तुम्हें एक लाश, एक शव बहता हुआ दिखाई देगा। उस लाश के गले में एक ताबीज होगा, तुम्हें उस ताबीज को खोल लेना है। गले से ताबीज को निकालने के बाद उसी नदी में तुम्हें एक नाव और नाव पर सवार एक आदमी मिलेगा, तुम्हें उस ताबीज को उस आदमी को दे देना है। वह तुम्हें दूसरी दुनिया के दरवाजे तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद करेगा। ऐसा कहकर शैतान ने कहा, नीलावंती, ये तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस लौटाने का सिर्फ एक ही चांस मिलेगा, एक ही अवसर मिलेगा, दोबारा अवसर नहीं मिलेगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। अगले दिन नीलावंती बहुत खुश थी क्योंकि वो अपनी दुनिया में जा रही थी। रात के समय बरगद के पेड़ के नीचे वो गई, तंत्र साधना करने लगी। उसने अपना रक्त निकाला और उसको बरगद के पेड़ पर सींच दिया। फिर उसने पशु पक्षी की बलि दी। जैसे ही वो बलि दे रही थी, उसे नदी के किनारे एक लाश बहती हुई दिखाई दी। नीलावंती उस लाश के पास गई और उसके गले में बंधे हुए ताबीज को निकालने की कोशिश करने लगी। ठीक उसी समय नीलावंती का पति वो व्यापारी भी वहां आ गया, जो अपने असली शैतानी रूप में आ गया। वो व्यापारी और कोई नहीं बल्कि एक शैतान ही था जो उसे रोकना चाहता था। नीलावंती ने ताबीज की पहली ही गांठ खोली, दूसरी गांठ वो खोलने की कोशिश कर रही थी कि गांव वाले वहां आ गए और नीलावंती को नरभक्षी समझकर कहने लगे, ये दोनों शैतान हैं, दोनों शैतान हैं, हम गांव वाले इसे मार डालेंगे, मार डालो, मार डालो, मार काट जैसी आवाजें आने लगी। सभी गांव वाले अपने अपने हथियार लेकर दौड़ने लगे। नीलावंती तो बच गई, लेकिन गांव वालों ने उस राक्षस को, यानी उस व्यापारी को मार डाला। राक्षस होने की वजह से वो दोबारा जीवित हो उड़ा और नीलावंती के पास जाकर बोला, नीलावंती, बचपन से तुम जो किताब लिख रही हो, वो किताब मुझे दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, वो किताब मुझे दे दो जिसे तुमने मंत्रों को लिखा है। तब नीलावंती ने सोचा कि यदि यह किताब इस शैतान को मिल गई तो ये दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकती है भाई। तब नीलावंती ने उस किताब को श्रापित कर दिया। किताब को श्रापित करते हुए उसने कहा कि जिसने भी लालच में आकर इस किताब को पूरा पढ़ लिया, उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। जिसने इस किताब को आधा पढ़कर ही बीच में छोड़ दिया, वो पागल हो जाएगा। ऐसा कहकर नीलावंती उस किताब को लेकर भाग गई। उसके बाद नीलावंती कहाँ गई आज तक पता नहीं चला कि वो कहाँ गई। कुछ समय के पश्चात एक साधु को किताब मिल गई। उस साधु के मन में किसी तरह का कोई लालच नहीं था, चूँकि वह किताब दूसरी भाषा में लिखी गई थी। उस साधु ने उसे डिकोड किया, उसे सरलतम रूप में अनुवाद किया ताकि सभी उसको समझ सके। लेकिन कहते हैं कि नीलावंती के द्वारा इस ग्रंथ को श्रापित कर देने की वजह से जिस भी व्यक्ति ने इस किताब को पढ़ने की कोशिश की, या तो वो पागल हो गया या फिर उसकी मृत्यु हो गई। जब ऐसे मामले सामने आने लगे तो इस ग्रंथ पर बैन कर दिया गया।
अब नीलावंती ग्रंथ की कहते हैं कि 17 पुस्तकें अभी भी धरती पर मौजूद हैं, लेकिन कहाँ हैं, किसके पास हैं, इसकी खोज अभी जारी है। अगर आपको ये किताब कहीं मिले तो अपने कमेंट हमें ज़रूर छोड़िएगा। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। दोस्तों, नीलावंती ग्रंथ के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।